एसकेपी 7 न्यूज रोहतास। वरमाला के समय दूल्हा राजा खुद तो फायरिंग किया, साथ ही दुल्हन के हाथ में जबरन पिस्तौल थमाकर उससे भी फायर करवाया। रोहतास में हर्ष फायरिंग का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है, लेकिन हद तो तब हो गई जब रोहतास जिला के राजपुर थाना अंतर्गत दयालगंज गांव में वरमाला के समय दूल्हा राजा खुद तो फायरिंग किया, साथ ही दुल्हन के हाथ में जबरन पिस्तौल थमाकर उससे भी फायर करवाया। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार दूल्हे राजा अपनी दुल्हन को हाथ में पिस्तौल डालकर जबरन फायरिंग करवा रहे हैं, वही आसपास के लोग वीडियो बना रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दूल्हा राजेश कुमार भोजपुर के तरारी बेहटा के सदनपुर गांव का रहने वाला है, जो सेना में कर्नल पद पर कार्यरत है। बताया जाता है कि तरारी के सदनपुर से बीते रात राजपुर के दयालगंज में बारात आई थी और इसी शादी में करनाल में पदस्थापित आर्मी मैन दूल्हा राजा राजेश अपने कमर से पिस्टल निकाल कर दे दना दन फायरिंग कर रहे हैं, साथ ही अपनी नई नवेली दुल्हनिया से भी फायरिंग करवा रहे हैं। इस विचित्र वरमाला को देखकर सब हतप्रभ है, वही दूल्हे राजा इसे अपना रसूख समझ रहे हैं। पुलिस को इस हर्ष फायरिंग की कोई सूचना नहीं है। दूल्हा तथा दुल्हन पर केस दर्ज, फायरिंग करने वाले दूल्हा गिरफ्तार, पिस्टल भी जब्त। राजपुर पुलिस ने तरारी पुलिस के सहयोग से भोजपुर के तरारी से किया गिरफ्तार। कल रात सेना के जवान दूल्हा ने राजपुर में शादी में की थी फायरिंग।